अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीनियर्स वर्ल्ड। आज सीनियर्स वर्ल्ड में हम पाकिस्तानी फ्लैग पेस्ट्रीज डेकोरेट करेंगे। आइए देखते हैं कि ये कैसे डेकोरेट होंगी। केक को 3 लेयर्स में कट करने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाएंगे। मैंने पहली लेयर पे लगा लिया था, क्रीम भी लगा ली थी, ये दूसरी लेयर है। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से पूरे केक पे हम इसे फैला देंगे और इसी तरह से तीसरी लेयर रखेंगे, उसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो क्रीम की लेयर है वो हम बहुत पतली सी लगाएंगे। अब केक को हम कट करेंगे। पहले मैंने हल्का सा निशान लगा लिया था इक्वल पेस्ट्रीज़ का, इसी तरह से निशान लगा लें, इस काटने में आसानी हो जाएगी। इनको काटने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। केक के ऊपर वाली लेयर पे बहुत पतली क्रीम लगानी है क्योंकि हमने इसको डेकोरेट करना है। पाइपिंग बैग में हम वाइट वाली क्रीम डालेंगे और आगे बारीक वाली नोज़ल लगाएंगे और इसे हम पाकिस्तानी फ्लैग का वाइट वाला पार्ट बनाएंगे और चांद सितारा भी बनाएंगे, जैसे मैंने पहले पेस्ट्री में बनाया है। इस तरह बाकी सारी पेस्ट्रीज पे बना लेंगे और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। और फिर फ्रिज से निकालने के बाद इस पे ग्रीन वाली क्रीम लगाएंगे। मैंने सारी पेस्ट्रीज पे चांद सितारा बना लिया है। अब पाइपिंग बैग में हम ग्रीन वाली क्रीम डालेंगे और आगे वही वाली बारीक नोज़ल लगाएंगे और इससे पेस्ट्रीज़ का बाकी पूरा हिस्सा जो है वो ग्रीन क्रीम से फिल कर देंगे और फिर दोबारा से इसको फ्रिज में रख देंगे। सारी को फिल कर लेंगे। सारी पेस्ट्रीज जो हैं वो रेडी हो गई हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब इन्हें हम प्लेट में सर्व करेंगे। पाकिस्तानी फ्लैग पेस्ट्रीज रेडी हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।